नेतृत्व के आह्वान पर आज हमने धरना प्रदर्शन किया और आधे दिन का कार्य बहिष्कार करें। सक्सेना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मंत्रालय कर्मचारी संगठन और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार राजस्व विभाग में तहसीलदार पद पर मंत्रालय संवर्गों का कोटा यथावत रखा जाएगा, यह निश्चित हुआ था। लेकिन गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति संवर्ग कोटे को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। अगर कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार के साथ जयपुर में विशाल रैली स्वरूप एक आंदोलन भी करेंगे, ऐसा इशारा कर्मचारियों ने दिया। नेतृत्व के आह्वान पर आज हमने धरना प्रदर्शन किया और आधे दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। मूल कारण यह है कि हमारे तहसीलदार का जो आरक्षित पद है 25%, उसमें से ये कटौती कर रहे हैं। अभी हमारे मूल 122 पद हैं, उसमें से भी अभी ये हमारे कटौती करने में लगे हुए हैं। इसमें आज उसके लिए मीटिंग भी रखी इन्होंने। आज मीटिंग में हमारे मंत्रालय कर्मचारी के अध्यक्ष को किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रोष का विषय है। भविष्य में हम ये चाहेंगे कि किसी प्रकार का हम इसमें सहन नहीं करेंगे, आरक्षित कोटे में छेड़छाड़। जोधपुर के अलावा और कहाँ कहाँ पर? पूरे राजस्थान में, पूरे प्रत्येक तहसील में, एस टी मिनिस्टर सब पूरे राजस्थान में हुई हुई है। निकट भविष्य में अगर मांग पूरी नहीं होती तो इसका फिर जैसे प्रदेश नेतृत्व तो निर्णय लेगा उसके हम साथ। सक्सेना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सक्सेना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंत्रालय की एकता जिंदाबाद, मंत्रालय की एकता जिंदाबाद। सक्सेना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सक्सेना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सक्सेना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सारा यूपीएस और एमपीएस लागू करने के बाद अब इस पर विरोध भी शुरू हो चुका है। जोधपुर में ही एक दूसरी खबर के अनुसार रेलवे मजदूर यूनियन ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। भारत सरकार के द्वारा यूपीएस और एनपीएस लागू करने के खिलाफ आज मजदूर यूनियन द्वारा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। साथ ही भारत सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर मजदूर यूनियन की मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाए। भारत सरकार के पहले एनपीएस, वर्तमान में यूपीएस स्कीम लागू करने के उपलक्ष्य में कर्मचारियों में भारी रोष है। इस संबंध में आज हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने इस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज सभी कर्मचारी एकजुट होकर के प्रदर्शन किया है। इस संबंध में आगे प्रदर्शन को और उग्र रूप किया जा सकता है। और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों को नहीं मिलेगी तब तक यह विरोध हमारा चलता रहेगा। इस संबंध में हमने हमारे मुख्यालय के जोनल लेवल पे महामंत्री महोदय से भी वार्ता की है। उन्होंने भी हमें इस संबंध में पूरा सपोर्ट देने और विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी है। जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा यह विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। सर विरोध में क्या क्या रहेगा? कार्य जैसे कार्य के लिए या कोई देरी निकलेगी? अभी वर्तमान में हमारे सभी ब्रांच स्तर पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैन बाइक रैली और आवश्यकता पड़ी तो मसाल रैली और रेलों की स्टेशन पर जाकर के भी अग्रिम कार्यवाही
जो संगठन की होती है, जैसे जैसे ऊपर के आदेश मिलेंगे उसी के अनुसार हम अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं सेक्रेटरी उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ वर्कशॉप प्रांत। Available on Google Play and App Store. Download it now.